का चुनाव होने वाला है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मार्केट में आ चुके हैं और अपना अभियान भी शुरू कर दिए हैं, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं होगा, जो आप बोल रहे हैं प्रशांत किशोर उनसे कुछ होगा? अच्छा, ये सबका नाम जो भी हो, तेजस्वी हो, लालू हो, नीतीश हो, कोई भी, जनसुराज भी हो, प्रशांत किशोर जी भी हो, जो भी हो, ठीक है ना? ये जो जो जनसुराज जो इतना ये कर रहे हैं, कहाँ से पैसा ला रहे हैं? कहाँ से ला रहे हैं? वो बीजेपी का बी टीम है, वोट कटवा कट के आ रहे हैं। बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी के नुकसान पहुंचाएंगे बिहार में, आप देखते रहिएगा। वो कहाँ से पैसा ला रहे हैं जो इतना प्रचार कर रहे हैं? कहाँ से पैसा? वो कोई फैक्ट्री चला रहे हैं? उनके पास CBI EDI नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। वो बीजेपी का बी टीम है। और रहा बात नीतीश कुमार का, हुआ बुरे हो गए हैं। नीतीश कुमार को हम बुराई नहीं करेंगे, नीतीश कुमार सबके हैं, वो RJD के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, करवट बदलते रहते हैं, जदयू के भी हैं। तो नीतीश कुमार का बुराई नहीं करेंगे, नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं, रोजगार भी दिए हैं, लेकिन वो वाला नियुक्ति पद वाला रोजगार नहीं दिए हैं। जो बच गया था ना, वो ब्लैक में दारू बेचे का रोजगार दिए हैं कि ब्लैक में दारू बेचो कमा। और जो और जो नियुक्ति पद वाला जो रोजगार मिला गांधी मैदान में, वो तेजस्वी यादव का देन है। तो इस सोच समझ के युवा लोग तेजस्वियों को लाएगा 2025 में, ये समझ गया। JDU वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव, BJP वाले कह रहे हैं तेजस्वी यादव, तो नौवां फेल कौन? अगर हम सेंट्रल में दिल्ली में, सुनिए सर, अगर दिल्ली में हम चौथी फेल को बैठा सकते हैं तो बिहार में नौवीं फेल को काहे नहीं? 4 क्लास ज्यादा पड़ल है तो नौवीं फेल को काहे नहीं बना सकते हैं? सर्टिफिकेट आज तक नहीं दिखा सके जी। और उन्होंने चुनाव में अपनी शादी को भी छुपाया और दूसरे चुनाव में उन्होंने कहा कि मैं विवाहित हूँ जी। मोदी जी झूठ, बिल्कुल मोदी जी झूठ बोलते हैं। बस में सुबह में उठ करके उनका सबसे पहला काम झूठ। अगर विश्व में पुरस्कार मिलेगा झूठ में, तो गिनीज बुक में पहला नंबर नरेंद्र मोदी का नाम है। लेकिन बहुत लोग तो मोदी जी को फेकू लाल का, अब फेकू है आपको क्या लगता है? बिल्कुल है, बिल्कुल जनता जो कहेगी ठीक है, बिल्कुल है। लेकिन नीतीश कुमार नौवा फेल, तेजस्वी यादव नौवा फेल नहीं है? देखिए, पर तेजस्वी की बात यहाँ कहाँ से आ गई? अभी सुनिए, मोदी जी, लेकिन बहुत लोग तो ये भी कह रहा है ना। ठीक है, तो ये तेजस्वी कहीं किसी इस तरह से उस बड़े पद पर हैं, प्रधानमंत्री नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, कोई लंबा ये फेंक नहीं ना रहे हैं 15 लाख अकाउंट में देंगे और हमने बचपन में मगरमच्छ के साथ खेला। 15 लाख देने का बात किया आज तक तो हम लोग नहीं सुने, भैया का नहीं सुने, दिखाइए तो, दिखाइए 15 लाख वाला, पूरा देश जान रहा है, दिखाइए ना पूरे देश, देखा 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 अभी ऑनलाइन रोड देखा हम बता दे और क्या बोले, सुनिए ये अभी सच कर रहा है, हम बता दे रहे हैं कि मोदी जी क्या बोले थे, क्या बोले थे? कि भाई और बहनों, विदेश में इतना काला पैसा है, अगर वो भारत में आ जाएगा तो हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख आएगा। नाक के नीचे से नहीं बोल दे रखिए, देखिए देखिए दैनिक जागरण छापा इसमें है तो दैनिक जागरण में केस करे, देखिए लिखा हुआ सबके खाते में आएंगे 15-15 लाख रुपए मोदी जी, और वही काला धन गुजराती लेके निकल। ब्राह्मण का लड़का चमार की लड़की से शादी करेगा, उस दिन समझ जाएगा कि मिट गया जाति, जाति एक है, सिर्फ हिंदू है, उसी दिन समझेंगे। लेकिन तो फिर भी बोलने के लिए कि हिंदू एक हो जाए, हिंदू एक हो जाए, कभी नहीं होगा, कभी नहीं, अरे हो भी नहीं, बोल तो रहा है कि जिस दिन ब्राह्मण का लड़का चमार की लड़की से शादी करेगा उस दिन समझ जाएंगे कि हाँ एक हो गया। लगता है कि ब्राह्मण के लड़की से शादी कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, एक गिलास पानी तो पीवे नहीं करेगा चमार के घर से, आप बोलेगा कि एक हो जाओ, क्या बात करता है भाई साहब, कैसे होगा? अरे एक नार काटने जाती है तो चमई नहीं जाती है, जब पैदा लेती है, चाहे ऊंच जाती हो, चाहे नीच जाती हो, चाहे कोई जाति हो, जब नार जन्म लेता है ना तो गांड में थूक करता है, गांड में कांटे दे के निकलवाता है, वही करती है, और नार काटती है, और क्या बात करते हैं, अछूत कैसे होता है? अरे हम बोल, अछूत क्या बात है, मंदिर ध्वंस संस्कार, ये सब गलत है, ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी के बयान पे आपको, अरे वो पागल बन गया है, पागल बन गया है, योगी आदित्यनाथ को तो लोग बहुत तारीफ करते हैं। अरे तारीफ कौन करता, बिहार में उनको पांव नहीं देने देगा कभी भी नहीं, और उसको कोई भाषणों सुनने जाता है जी। और क्या जी,
तो क्या लगता है आपको, उनको ऐसा भाषण बयान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए उसको ऐसा धर्म बात। आबरी 2027 की बात है, वो एकदम रोड पर आ जाएंगे, वो रोड में आ जाएंगे आपके रोड। लेकिन दो, चलिए 2027 की बात है यूपी की, लेकिन 2025 में आपके यहाँ चुनाव हो रहा है और लोग क्यों कह रहे हैं तेजस्वी यादव तो क्यों, नीतीश कुमार तो क्यों, प्रशांत किशोर? अरे प्रशांत सुधर का छोड़िए ना, वो नीतीश कुमार को या नरेंद्र मोदी के रोड पर पैदल चलवा दिया एक लड़का, तो वो तो मामूली बात है। ये तेजस्वी है, तेजस्वी की सरकार बनेगी और कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बहुत लोग तो कह रहे हैं कि अरे हाथी जा रहा है, कुत्ता भूख रहा है, इससे क्या दिक्कत है? कहने दीजिए, कोई नहीं दीजिए, लेकिन तेजस्वी बनेगा, मेरा तेजस्वी बनेंगे का है, अब उतना नहीं बोलेंगे, बता दीजिए, खोल दीजिए, खोल वह बने।